बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू. पहले जाना चाहेंगे क्या हो रहा है, बड़ा मॉडर्न हो के डांस हो रहा है. ओ यस बिल्कुल. तो ये दिस इज़ अगेन वन ऑफ द टेस्ट कि मैं पता लगा रही हूँ बेब्स की फीलिंग्स क्या है हनुमान अंकल के बारे में. और इधर मस्ती मजाक चल रहा है, नाच गाना चल रहा है, सब एक गेट टुगेदर पे हैं हमारे घर पे. और इधर सब लोग गा रहे हैं, बॉबी गा रहा है और वो एक ड्रीम सीक्वेंस देखता है जब वो डांस कर रहा है मेरे साथ. और मेरे ये एज्यूम किया कि मेरी तरफ से हाँ हो गई है. तो उसका एक बहुत क्यूट डांस ड्रीम सीक्वेंस है जो अभी हमने शूट किया. और फिर सब लोग डांस करते हैं, सब लोग गाते हैं. लेकिन बेब्स को मैं नोटिस करती हूँ कि वो साइड पे है, फोर्स हर टू सिंग. मैं कभी कभार उसे खींचती भी हूँ लेकिन वो थोड़ी रिलक्टेंट है. और मैं ये चीज़ ऑब्जर्व कर रही हूँ ताकि मुझे पता चले, थोड़ा हिंट मिले कि बेब्स के एक्चुअली फीलिंग्स क्या है हनुमान अंकल के बारे में. एंड फाइनली वो ऊपर रन करके चली जाती हैं. यस थोड़ा बहुत. एंड ऊपर जाके मैं सुनती भी हूँ कि वो क्या बोल रही है. नई बी को बोलती हूँ कि आप जाके बात करो क्योंकि मेरे सामने वो खुलेगी नहीं. एंड उधर जाके मुझे ऐसा कुछ पता चलता है जो मुझे अंदर से हिला देता है. और मैं नीचे जब आती हूँ तो मेरे अंदर मिक्स फीलिंग्स है. मिनी रो रही है, हंस रही है, साथ में मुस्कुरा रही है, आंसू गिर रहे हैं उसकी आंखों से. तो इट्स अ वेरी मिक्स्ड इमोशन दैट मिनी इज़ फीलिंग एट द मोमेंट. और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है. एंड उतने में हनुमान अंकल भी वापस आते हैं. एंड शी इज़ रियली हैप्पी टू सी हिम दैट ही इज़ बैक. और फिर मैं उन्हें ऊपर लेके जाती हूँ. अभी बेटे की लव स्टोरी के बजाय माँ की लव स्टोरी है. एंड ये बेटी ही क्यूपिड प्ले कर रही है एक तरह से. बेटी ही एक जरिया बन रही है जिससे दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में पता चले. एंड आगे के एपिसोड्स में काफ़ी क्यूट क्यूट सीन्स देखोगे. इजहार कैसे होगा, हाँ होगी या नहीं, वो भी आपको देखने को मिलेगा. मिनी का क्या होगा, मिनी का क्या टेक होगा, वो क्या रोल परफॉर्म करेगी इस पूरी स्टोरी लाइन में, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. एंड आप देखते रहेगा पटियाला बेब्स. थैंक यू. स्वागत है. बस थोड़ा सा कुछ है ऐसे दिमाग में चल रहा है. बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है एक्चुअली एक साथ. एक ही चीज चल रही है. मिनी ज़्यादा बेहतर जानती है एक्चुअली क्या चल रहा है. मुझे बबीता तो लॉस्ट है. बहुत चीज़ें चल रही है. एक ही चीज़ पे फोकस है बट. और वही चीज़ के बारे में मुझे पता है नहीं तो मैं डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स बना रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट हिंट्स ढूंढ रही हूँ ताकि मुझे पता चले बेब्स के बारे में एक्चुअली चल क्या रहा है हनुमान अंकल के बारे में. क्या चल रहा है बेब्स, क्या चलना चाहिए, क्या चल रहा है. वो सॉन्ग भी बज रहा था बहुत इमोशनल कि हंसी रात ना हो, क्या हो रहा था. मुझे कुछ नहीं पता है, मैं बिल्कुल अनजानी हूँ. कुछ कुछ हो रही है, चीजें घट रही हैं अपने आप. कहीं और कुछ कुछ होता है. क्या राहुल राज, वो कौन सा डायलॉग था. हाँ तुम नहीं समझोगे. बस कुछ कुछ तो हो रहा है. बाकी क्या होता है, होता है नहीं होता है, ये तो आप जब एपिसोड देखेंगे तब पता चलेगा, या फिर मिनी को पहले पता चलेगा. नहीं नहीं घाटा तो नहीं हो रहा एक्चुअली. मिनी का बस फियर है लव के लिए. शी इज़ नेवर अगेंस्ट हर बेब्स गेटिंग मैरिड, बट उसका यही है कि वो उसकी बेब्स की खुशी उसके लिए सब कुछ है. उसकी बेब्स उसके लिए हर किसी से बढ़ के, पूरी दुनिया से बढ़ कर है. और बेब्स तो चाहेगी, मिनी ऑब्वियसली उसका साथ देगी जैसे हमेशा दीदी आई उसके डिसीजंस में. तो जो बेब्स की मर्जी, इसलिए वो पता लगाने की कोशिश करे कि बेब्स एक्चुअली फील क्या करती है ताकि उस बेब्स की मर्जी के हिसाब से वो आगे स्टेप्स ले सकती है. सो शी इज़ नॉट अगेंस्ट बेब्स एंड हनुमान अंकल कमिंग टुगेदर. अरे अभी पता लगा रही ना, मुझे हिंट ही नहीं दिया इन्होंने. ये इतनी बार ट्राई कर चुकी हूँ मैं, अभी तक एक हिंट नहीं मिला मुझे कि क्या चल रहा है बेब्स. बेचारी बेब्स को पता होगा तो बताएगी ना, उसे भी नहीं पता. बताओ. अभी तो मैं गाने सुन रही हूँ, अंदर भी कुछ गाने बज रहे हैं मेरे. गाने बज रहे हैं, गानों का सीजन चल रहा है पटियाला बेब्स में. हर तरफ से म्यूजिक ही म्यूजिक हो रहा है. पता चलेगा. आई
आई डोंट नो, आई मीन इट डिपेंड्स कि कैसे पता चलेगा. एंड आई फील जैसे मैंने अभी बोला कि बेब्स की खुशी में मेरी खुशी, मैंने हमेशा उसका साथ दिया ही है. एंड ऑब्वियसली वो हनुमान अंकल को भी एज ए कैरेक्टर काफ़ी अडोर करती है, काफ़ी मानती है हनुमान अंकल को, रोल मॉडल है वो उसके लिए, तो शी वुड माइंड देम कमिंग टुगेदर. लेकिन पहले उसको जो लव का फियर फैक्टर है उसके मन से वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो उसके पापा जी ने उसके बेब्स के साथ किया है उसके बाद वो टूट गई है, उसने अपनी माँ को टूटते हुए देखा है, तो वो एक डर हमेशा रहता है कि कहीं वो वापस ना टूट जाए. बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है ये, क्योंकि ये मैंने पहली बार बनाया है. अश्नूर पहले भी कुछ जगह जाकर बना चुकी है, तो मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था. और किसी भी सीन से ज़्यादा मैं तो एक्साइटेड थी कि ये कैसे बनती है, और जो कलाकार आते हैं जो इन मटकियों को बनाते हैं, आई थिंक देखने लायक होता है वो कैसे चंद मतलब पलों में वो उसको शेप दे देते हैं अपने हाथों. इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई मीन फर्स्ट टाइम यू ट्राई, दे ऑलमोस्ट टू 6 months of training to, you know, get expertise in making all those pots. So it's not easy. बहुत interesting था, और उसकी वजह से हमारा scene भी बहुत खिल कर आया, बहुत उभर कर आया. अभी एक promo भी आया है नया बबीता हनुमान का, जो इसको making पे ही है, तो बहुत सुंदर scene बन गया. हाँ जी. तो मेरा डायलॉग था सुबह कि दिल में बहुत दर्द है, पर एक्चुअल में कमर में दर्द था, थोड़ा स्लिप डिस्क हो गया है, अभी चल ही रहा है. अभी थोड़ी देर पहले मुझे वायरल हो गया था, उसमें भी लगातार शूट करना पड़ा, अब बैक पेन है, फिर भी शूट लगातार करना पड़ रहा है. आई गेस दिस इज व्हाट द एंटायर थिंग इज अबाउट, जो होता है कि द शो मस्ट गो ऑन. दीदी इज नॉट वेल, आई हैव माय एग्जाम्स, शूट स्कूल से डायरेक्टली इधर शूट पे आके, देन अगेन गोइंग टू शो फॉर एग्जाम्स, शी स्टडीज यहां पैकअप होने के बाद, तो वी आर बोथ वर्किंग हार्ड. थैंक यू. या एक्चुअली जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं अशोक, उनके साथ कुछ कंट्रोवर्सी है अभी, जो वालिया के साथ हुआ है, तो उसके बारे में हम अभी क्या बताएं. तो वो अचानक चलती शादी में मेरे पास वो लेटर आ गया, जिसमें पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे करके कुछ एक चीज़ें हैं जो सीज होने वाली हैं, तो उस सारी कंट्रोवर्सी के बीच में हो रहा है. तो ये शादी जैसी हो रही है, वैसे आपको पता लगता है कि आपका पूरा घर परिवार सब कुछ बिकने वाला है? अब वो एक्चुअली सस्पेंस है, वो बिकने वाला है या वो जब्त हो गया है या उसके साथ और क्या होने जा रहा है, ये तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक पटियाला वेब्स देखते रहें, उन्हें पता चलता रहे. शादी को होने से रोकेंगे? नहीं, हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे. हम चाहते हैं कि आज ये शादी हो जाए, और हो रही है, तो क्योंकि अभी तक सिर्फ मुझे ही पता चला है शादी तो हो ही रही है, और मैं सबको देख भी रहा हूँ कि शादी हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि हो जाए. लेकिन इस शादी में जैसे देख रहे दूल्हा दुल्हन बहुत एक दूसरे से खपा है. वो एक्चुअली एक रात पहले कुछ ऐसी बातें हो गई थी घर में, जिसकी वजह से उन दोनों की नाराज़गी चल रही है, तो वो भी मैं दोबारा से कहूँगा, आप एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बात हुई. लेकिन कुछ है जो आपको इस एपिसोड के दौरान बहुत मज़ा आने वाला है, कुछ एक नई चीज़ें खुलकर आने वाली हैं, कुछ एक चीज़ें जो आपको और उदास कर देने वाली हैं. तो वैसा वही आपने बहुत सही पकड़ा कि दूल्हा दुल्हन के चेहरे उदास क्यों हैं, वो जानने के लिए देखते रहिए पटियाला बेस मंडे टू फ्राइडे. सबसे पहले तो शादी कैसे हो रही है, क्या रिवाज है, एक बंगाला ने एक पंजाबी है, सब किस तरह की शादी हो रही है यहाँ पे? तो हमने आई थिंक बंगाली रिवाज फॉलो किया है. देयर इज़ अ मिक्स एंड मैच ऑफ ट्रेडिशंस, क्यों, क्योंकि ये लोग पंजाबी है और मेरे साइड के बंगाली है, तो मेरे लिए अच्छा है हुनर, क्योंकि मैं सरदारनी हूँ, पंजाबी हूँ, तो असली शादी उसी तरीके से हुई थी. तो एज एन एक्टर ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि एक अलग, यू नो, अलग अलग चीज़ों में ढलने का मौका मिल जाता है आपको. तो आई थिंक एक बंगाली शादी, एक बंगाली कल्चर कैसे होता है उसमें ढलने का मौका मिल गया बंगाली. तो एक्चुअली मैडम की शादी हुई थी वो सरदार जी से हुई थी, सरदारों वाली शादी हो रखी है इनकी, और ये दूसरी बंगाली वाली शादी भी हो गई है. और कौन कौन सी शादियाँ करना चाहेंगे? पंजाबी हो गई, बंगाली हो गई, महाराष्ट्रीय, क्रिश्चियन, कितनी क्रिश्चियन अभी तक नहीं करी है मैंने, बट या लास्टली आई थिंक हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप सब लोग जो हमें प्यार देते हैं, हमारे किरदारों को जो हमें जितना पसंद करते हैं, पटियाला बेब्स को पसंद करते हैं, जितना हेट्रेट आप इन्हें देते हैं, और जितना सिंपथी प्यार आप मुझे बबीता मिलनी ऑफकोर्स सब लोगों को देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग. एंड देखते रहिएगा, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छे तरीके से एंटरटेन कर सकें. लेकिन अभी यहाँ पर जो शादी की कोशिश पूरे परिवार वालों के साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी हलचलें मची हैं, सो क्या हलचल चल रही है? बेसिकली मेरे मॉम डैड
इनसे खुश नहीं है, इनके मॉम डैड मुझसे खुश नहीं है, हम दोनों के मॉम डैड खुश नहीं है कि हम लोग शादी कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं जो काफ़ी परेशान कर देती हैं, जिसके कारण सब परेशान हैं। और जीवन में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम कुछ फैसले लेके बहुत दूर आ जाते हैं, कि वो इतने दूर आ जाते हैं कि उसके बाद हम एक ऐसे कटघरे में खड़े हो जाते हैं जहाँ पे हमें ये पता नहीं चलता कि हम इतनी हिम्मत नहीं रहती पीछे मुड़ने की। तो आई थिंक एक वही एक डिलेमा है जिस डिलेमा के अंदर ये मीता चीज़ों के साथ बही जा रही है विदाउट रियलाइजिंग कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लोग इधर 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 लोग, क्योंकि आप बहुत ही प्यारा वाइट एंड रेड जोड़ा आपने पहना है, आप पंजाबी दुल्हन, आप बंगालन दुल्हन नजर आ रही हैं। जोड़े के बारे में क्या बोले, इसका तो कॉम्प्लीमेंट हमें श्रेय उन लोगों को देना चाहिए जो बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं। आई थिंक आर स्टाइलिस्ट तृप्ति शुड गेट द श्रेय द क्रेडिट फॉर दिस, जो इतने अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स लाते हैं। एंड मेन बात तो मेरे ख्याल से दर्शकों का लास्ट व्यू रहेगा कि आप लोगों को हमारी जोड़ी कैसी लगी। इससे पहले हम बताएं हमारी जोड़ी, हमें तो बहुत पसंद है, आप बताइए कृपया करके कि हमारी जोड़ी कैसी लगी आपको। ओके, आपने कुछ और पूछा था, आई एम सो सॉरी, आपके लुक के बारे में पूछ रहे, जोड़े नहीं लुक के बारे में, जोड़े जोड़े, मैं माफी मांगता हूं, इट्स ओके, इसके बारे में तभी स्टाइलिस्ट हो। मैंने कुछ देखिए, हम लोग लड़के हैं, हमें जो कपड़े मिलते हैं हम पहन लेते हैं। मेरे लिए कपड़े भी मेरी मॉम या मेरी बहन खरीदती है अभी तक, तो ये कपड़े जो भी हमें मिलते हैं हम पहन लेते हैं। हाँ, ये है कि पहनने के बाद अच्छे लग जाते हैं भगवान की कृपा से, दैट्स इट। पर ये देखिए, ये है, इनको कोई भी आप वस्त्र पहना दीजिए, कोई भी रंग पहना दीजिए, इनमें खूबसूरत ही लगना होता है। डिजाइनर के लिए भी थोड़ा हेल्पफुल रहता है। या एंड थैंक यू सो मच, बहुत से फैंस हैं जो कि मेरी लुक को, मेरी साड़ीज़ को लेकर और मेरे जो भी ड्रेसेस रही है वो बहुत पसंद करते हैं। तो मुझसे कई बार ये पूछा जाता है, तो सास बहू और साजिश की तरफ से वो मैं बहुत सा जो भी ड्रेसेस पहनती हूँ, तो तृप्ति इज़ द वन हु यू शुड कॉन्टैक्ट, शी इज़ द वन हु इज़ द डिज़ाइनर एंड हु गिव्स मी नाइस क्लोथ्स टू वेयर, बिकॉज़ शी इज़ द वन हु वी शुड गिव क्रेडिट टू। क्या गेम खेला,
बहुत अच्छा रहा. पहले तो मैं बोलना चाहूँगी दिस इज़ ऑल फॉर द सीन, दिस इज़ ऑल ग्रीसी. मैं स्कूटी ठीक कर रही हूँ अपनी सीन में, सो प्लीज़ डोंट प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर माई लुक. तो हाँ, आज का दिन बहुत अच्छा रहा. ऑब्वियसली बर्थडे किसका अच्छा नहीं बनता यार. तो 12 ओ क्लॉक अभी तक आई हैव कट लाइक 12 केक्स ऑलरेडी. 13th अभी काटूँगी एंड 13 कट कर चुकी हूँ एक्चुअली मैं सेट पर. And my friends have come over. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. 12 बजे सब ने विश किया. Few of my friends came over. Plus उसके एक हफ्ता पहले ही इतनी सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी ऑलरेडी. I can get my friends, right? My friends are here on set. So we are a gang of four and we call each other Vires. Because we all resemble some or the other character from Vires. So yeah. यार मैंने ना अभी तक गिफ्ट्स खोले ही नहीं है. मैं सबको रिप्लाई करने में मेरा इतना टाइम जा रहा है. इन लोगों को भी मैंने काफ़ी देर बाद रिप्लाई किया और मुझे इसके लिए बहुत डांट मिल चुकी है. काइंड ऑफ तो रिप्लाई नहीं करती. सो दैट्स थिंग एक्चुअली सब लोग फेस करते हैं. एंड या तो अभी गिफ्ट मैं खोलूँगी. आई हैवंट ओपन एनी ऑफ माई गिफ्ट्स. बट ऑब्वियसली सबसे बड़ा गिफ्ट यही होता है, ऑल योर ब्लेसिंग्स, ऑल योर लव एंड ऑल द सपोर्ट दैट यू गाइस गिव. दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली क्रेजी, डोंट ट्रस्ट हर. बट या आई वॉन्ट ओनली बीन हर फ्रेंड फॉर लाइक अ ईयर. But she's the best person you can be around. She's always lively, always making some kind of a joke. It's really nice being around her. Okay, the one thing I want to tell her is like she can light up anybody's world. She always like she's so cheerful. She's so amazing. We love her. We love her. She's a very good singer. I won't like nobody else the way that you flip your head.